नमस्कार दोस्तों, इसी 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन है, लेकिन ना तो कांग्रेस उद्घाटन में जा रही है, ना आम आदमी पार्टी, ना ममता बनर्जी की टीएमसी, ना डीएमके, ना आरजेडी, ना जेडीयू, ना एनसीपी, ना समाजवादी पार्टी, ना उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट, ना कम्युनिस्ट पार्टी, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, ना केरला कांग्रेस, ना राष्ट्रीय लोकदल, ना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट, ना एमजीएमके, कोई भी विपक्षी दल भारत की नई संसद के उद्घाटन में नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर 19 दलों ने फिलहाल इसका बहिष्कार कर दिया है। सबने एक सुर में नई संसद का बहिष्कार किया है दोस्तों। अब नरेंद्र मोदी अकेले संसद में अपने सांसदों के साथ संसद का उद्घाटन करेंगे। तो अब बात यह है कि कोई क्यों संसद के उद्घाटन पर बीजेपी के बुलावे के बावजूद भी मोदी के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको इसके 6 कारण बताऊंगी, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के संसद उद्घाटन में क्या खोट है। पहला कारण, सावरकर के जन्मदिन पर संसद का उद्घाटन क्यों है? गांधी जयंती पर भी उद्घाटन हो सकता था। 2 अक्टूबर तक संसद दिल्ली से भाग तो जाती नहीं। जिस सावरकर पर गांधी की हत्या करवाने के आरोप लगे, उसके जन्मदिन पर संसद का उद्घाटन क्यों? जिस सावरकर पर अंग्रेजों से माफी मांगने के आरोप लगे, उसके जन्मदिन पर संसद का उद्घाटन क्यों? सावरकर को लोकतंत्र का हीरो बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या सावरकर के जन्मदिन पर संसद का उद्घाटन करके भविष्य की नई पीढ़ी को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि सावरकर महान थे, लोकतंत्र की जान थे? एनसीईआरटी की किताबों से गांधी की हत्या और गोडसे की बातों पर पहले ही कैची चलाई जा चुकी है। अब अगर आप सारी कड़ियों को मिलाएंगे तो नई संसद के उद्घाटन का पहला कारण आपको सावरकर को हीरो बनाने की कोशिश दिखाई देगी। अब दूसरा कारण यह है दोस्तों कि नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन विश्व इतिहास में यह पहली बार है कि किसी संसद या विधानसभा के उद्घाटन में विपक्ष होगा ही नहीं। इसका दूसरा कारण यह है कि जब देश में 545 लोकसभा सीटें हैं, तो फिर नई संसद में 888 सीटें क्यों लगाई गई हैं? क्या हिंदी पट्टी में लोकसभा सीटों का परिसीमन करके सीटें बढ़ाकर बीजेपी संसद पर हमेशा के लिए कब्जा करना चाहती है? क्योंकि साउथ के 6 बड़े राज्यों में बीजेपी ना के बराबर है, इसीलिए अगर बीजेपी हिंदी पट्टी में परिसीमन से सीटें बढ़ाती है तो फिर दक्षिण भारत से बीजेपी को कुछ मिले ना मिले, हिसाब बराबर हो जाएगा। विपक्ष के मन में ये सवाल भी है, इसीलिए भी विपक्ष नरेंद्र मोदी की बनवाई इस नई संसद के उद्घाटन से बहुत दूर हो गया है। दोस्तों, अब तीसरे कारण को भी समझिए। तो तीसरा कारण यह है कि देश को नई संसद की कोई जरूरत नहीं थी। विपक्ष इसे फिजूल खर्ची कहता है। विपक्ष के नई संसद के उद्घाटन में ना जाने का तीसरा कारण यह भी है। इस देश में सैकड़ों जर्जर स्कूल पड़े हैं, हजारों स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालत में पड़े हैं, हजारों लोगों के पास घर नहीं है। उस हालत में देश के सांसदों के लिए एक ठीक ठाक अच्छी संसद होने के बावजूद नई संसद की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ अपने नाम के लिए, सावरकर को महान बनाने के लिए नई संसद बनवाई गई। अब विपक्ष इसलिए भी इस उद्घाटन से बहुत दूर है। दोस्तों, अब नई संसद के उद्घाटन के समय मोदी के अकेले होने का चौथा कारण भी समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नई संसद के उद्घाटन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, ज्योतिबा राव, भीमराव अंबेडकर, क्या किसी का भी जन्मदिन इस लायक नहीं था जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो सके? सिर्फ सावरकर का ही जन्मदिन बीजेपी को सूटेबल लगा? देश को आजादी दिलाने वाले दर्जनों महापुरुषों के बीच गांधी की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए सावरकर का जन्मदिन ही संसद के उद्घाटन के लिए बीजेपी को अपना लिए सूटेबल लगा? और बीजेपी कहती है कि यह राजनीति करने की बात नहीं है। अभी इतना ही नहीं दोस्तों, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। नई संसद के उद्घाटन पर मोदी के अकेले होने का पांचवा कारण भी सुनिएगा। दोस्तों, संसद का उद्घाटन किसे करना चाहिए सोचिए। चलिए इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके घर का उद्घाटन है, गृह प्रवेश है, कुछ भी है, तो कौन करता है? घर का मुखिया करता है, दादा दादी करते हैं, दादा दादी जीवित नहीं हैं तो मम्मी पापा करते हैं। लेकिन संसद का उद्घाटन किसे करना चाहिए? देश के प्रथम व्यक्ति, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति को करना चाहिए। लेकिन कर कौन रहा है? कर रहे हैं दामोदर दास मोदी। ये स्टेडियम का उद्घाटन तो है नहीं, ये संसद का उद्घाटन है जी। बीजेपी कहती है राष्ट्रपति ने संसद का उद्घाटन करने से मना कर दिया है। अब इसका तो यही कारण हो सकता है कि या तो राष्ट्रपति भी नई संसद से खुश नहीं है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। वरना जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के एक भी फैसले का विरोध पिछले 9 साल से नहीं कर पाए हैं, अगर मोदी जी उनसे कहते कि आपको उद्घाटन करना है तो वो उद्घाटन करने से मना कर देती? ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर राष्ट्रपति संसद का उद्घाटन करती
तो फिर संसद के उद्घाटन पत्थर पर मोदी का नाम कैसे लिखा जाता? जिन लोगों ने वैज्ञानिकों द्वारा बनवाई गई कोरोना की वैक्सीन के पोस्टरों पर अपनी फोटो छपवा ली हो, वो लोग अगले 200 साल तक खड़ी रहने वाली संसद पर अपना नाम गुदवाने से पीछे कैसे रह सकते हैं? संसद का उद्घाटन एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति से कैसे कराया जा सकता है, ये सवाल भी विपक्ष उठा रहा है। तो नई संसद के उद्घाटन पर मोदी के अकेले रह जाने का पांचवा कारण ये है दोस्तों। अब छठा कारण समझिए, नई संसद में नरेंद्र मोदी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगल छड़ी लेकर आना चाहते हैं। अब ये वही सेंगल छड़ी है जिसे देख करके चोल वंश के राजा सत्ता हस्तांतरित किया करते थे, इसे राजदंड भी कहते हैं। संसद में राजदंड रखने के पीछे क्या मानसिकता है, क्योंकि देश तानाशाही से तो चलेगा नहीं, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक का संसद में आखिर क्या काम? दोस्तों ये वही राजदंड है जिसे अंग्रेज नेहरू को देकर के गए थे, उसके बाद से किसी प्रधानमंत्री को ये छड़ी नहीं दी गई, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है, सत्ता हस्तांतरण नहीं होता है, इसीलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो अब सवाल भी ये उठता है कि सत्ता सौंपे जाने वाली इस राजदंड छड़ी का संसद में क्या काम, और इसको संसद में रख कर क्या संदेश दिया जाने की कोशिश की जा रही है? विरोध इस राजदंड का भी है दोस्तों। कुल मिलाकर संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन के लिए है, सावरकर को पूजने के लिए है, ऐसा विपक्ष का मानना है, और इसीलिए विपक्ष सावरकर के हैप्पी बर्थडे पर फूल लेकर संसद नहीं जा रहा है, संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी, और आप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार, जय हिंद। We'll be right back.